नमस्कार, वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर में डकैती की तैयारी कर रहे आरोपियों को हथियारों के साथ पकड़ा। मानकापुर ओवर ब्रिज के नीचे आरोपियों के होने की मिली थी जानकारी। भंडारा पुलिस ने गश्त के दौरान पकड़ा 632 किलो गांजा, कुल 68,39,000 रुपए का माल जब्त। और ओमिक्रॉन की अफ्रीकी देशों में दहशत, जिला प्रशासन ने सख्ती से संबंध में जारी किए निर्देश। कोरोना के मरीज बढ़ने पर पाबंदियों में भी हो सकती है बढ़ोतरी। और अब खबरें विस्तार से। एक और जहां पुलिस शराबियों, जुआरियों से लेकर हवाला कारोबारियों पर कार्रवाई कर पूरे एक्शन में आ गई है, वहीं दूसरी ओर अपराधी की भी घटनाओं को अंजाम देने में लगे हुए हैं। नंदनवन थाना क्षेत्र में एक वृद्ध महिला की हत्या के बाद से पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है, लेकिन रात के वक्त सड़कों पर आवारा घूमने वाले अभी भी कम नहीं हुए हैं। इसी बीच जरीपटका पुलिस ने गश्त के दौरान 4 अपराधियों को पकड़ा। 4 आरोपी डकैती की तैयारी में थे। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गश्त के दौरान रात 12 बजे के बाद सीएमपीडीआई के पास मानकापुर ओवरब्रिज के नीचे कुछ असामाजिक तत्व जमा थे और किसी वारदात की तैयारी कर रहे थे। पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और घेराबंदी करते हुए सभी को पकड़ लिया। इस दौरान एक आरोपी फरार हो गया। पकड़े गए आरोपियों में से पंजाब लाइन निवासी तनु उर्फ तरनजीत सिंह बेस, अरजीत सिंह उर्फ गरम अबाज सिंह गरेवाल, भीमसेन नगर निवासी आकाश अरुण वर्ठी और लक्ष्मण काशीनाथ रागा से बताए गए। हालांकि पुलिस ने 4 को धर दबोचा, जबकि एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। आरोपियों के पास से घातक शस्त्र बरामद किए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सोमवार को भंडारा पुलिस ने सीने स्टाइल से पीछा कर गांजे से लदे एक 4-पहिया वाहन को रोका। वाहन की जाँच करने कर पुलिस भी आश्चर्य में पड़ गई। इसमें करीब 632 किलो, 382 ग्राम गांजा पाया गया। पुलिस ने वाहन सहित 68,39,190 रुपए का माल जब्त किया। यह कार्रवाई यातायात नियंत्रण शाखा ने भंडारा तहसील के मुजबी गांव के समीप की। प्राप्त जानकारी के अनुसार ओडिशा में बड़े पैमाने पर गांजे की खेती की जाती है। ओडिशा से बोलेरा पिकअप वाहन भंडारा मार्ग नागपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान यातायात नियंत्रण शाखा के पुलिस निरीक्षक शिवाजी कदम टीम के साथ गश्त पर थे। सुबह के दौरान यातायात नियंत्रण शाखा की टीम बेला गांव के समीप रहते यह बोलेरा पिकअप वाहन संदेहास्पद स्थिति में तेज गति से जा रही थी। यातायात नियंत्रण शाखा के पुलिस निरीक्षक शिवाजी कदम ने वाहन की जाँच करने पर उसमें गांजा होने का ध्यान में आया। इसकी जानकारी उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारियों को दी। पुलिस निरीक्षक जयवंत चौहान सुभाष बार से टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने वाहन कब्जे में लेकर भंडारा थाना में ले गए। इस वाहन में 17 बोरियों में अंदाजन 632 किलो और 382 ग्राम गांजा होने की जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रकरण में पुलिस ने मामला दर्ज किया और आगे की जांच शुरू की है। माना जा रहा है यह गांजा नागपुर लाया जा रहा था। नागपुर से इसे अन्य स्थानों पर भेजे जाने का भी पता चला है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर एक बार फिर दहशत का माहौल है। जी हां, हालांकि महाराष्ट्र में अब तक कोई भी मरीज मिलने की जानकारी नहीं है, लेकिन प्रशासन अलर्ट हो गया है। नागपुर में भी सतर्कता बरतने की निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी आर विमला ने भी जिले में सतर्कता के नाम पर कुछ पाबंदियों की घोषणा की है। सोमवार को जारी दिशा निर्देश के अनुसार आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, क्रीडा और मनोरंजन विषयक क्षेत्रों को नई शर्तों के अधीन शुरू करने की अनुमति प्रदान की है। कोरोना के नए वेरियंट को लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकारें अलर्ट हो गई है। हालांकि सावधानी और सतर्कता बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर से बुरी अवस्था न हो इसके लिए जिलाधिकारी ने अभी से तैयारियां और सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। नए निर्देश के अनुसार किसी भी कार्यक्रम, दुकान, प्रतिष्ठान, मॉल, समारोह, सम्मेलन एवं अन्य आयोजन स्थलों का व्यवस्थापन करने वाले व्यक्तियों के वैक्सीनेशन के दोनों डोज पूरे होने चाहिए। इन स्थानों पर केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाएगा जिनका वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन सेवा में भी केवल दोनों डोज लिए व्यक्ति को ही अनुमति होगी। सरकार द्वारा दिए गए यूनिवर्सल पास या फिर वैक्सीनेशन पूरा होने पर मिलने वाला वैध प्रमाण पत्र भी परिवहन सेवा के दौरान वैध माना जाएगा। सिनेमाघर, नाट्यगृह, मंगल कार्यालय, सभागृह या बंद इमारतों में होने वाले कार्यक्रम स्थान की क्षमता के 50% लोगों को ही उपस्थिति की अनुमति होगी।
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोविड नियमों का उल्लंघन होता पाया गया और कोरोना मरीजों की संख्या में निरंतर वृद्धि पाई गई तो पाबंदियों और शर्तों को भी कड़ा किया जाएगा। जिले में किसी भी देश से आने वाले यात्रियों के वैक्सीनेशन के दोनों डोज पूरे होने चाहिए या 72 घंटों के भीतर का RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा। और जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश SM आजमी की कोर्ट ने हत्या के एक मामले में शामिल 2 आरोपियों को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों को 2017 में एक युवक को जान से मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मामला बेहद साफ होने के कारण दोनों आरोपी बच नहीं सके और कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 सितंबर 2017 को सूरजनगर भांडेवाड़ी निवासी आरोपी कमलेश नारायण दुबे व शेखर चंद्रशेखर दुबे भांडेवाड़ी के डंपिंग यार्ड में कचरा गाड़ी खाली करने गए थे। इस दौरान उनका सुमित सुभाष कामले नामक युवक से विवाद हुआ। इस विवाद में आरोपी शेखर दुबे ने चाकू से कई बार वार कर सुमित को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल करने के बाद दूसरे आरोपी कमलेश दुबे ने अपनी कचरा गाड़ी सुमित के ऊपर चढ़ा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना की शिकायत फिरियादी राहुल ताराचंद देशमुख ने पुलिस से की थी। मामले में जांच अधिकारी के रूप में सहायक पुलिस निरीक्षक गोपाल वल्वी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, तो वहीं पैरवी अधिकारी के रूप में सहायक पुलिस उप निरीक्षक संजय यादव, पुलिस हवालदार प्रमोद यावले व महिला पुलिस सिपाही वसुधा उइके कोर्ट में पेश हुए। सरकारी वकील के रूप में नितिन तेलगोटे व पंकज तपासे, तो वही आरोपी की तरफ से एडवोकेट चेतन ठाकुर और दीक्षित ने कोर्ट का कामकाज देखा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नागपुर जिले में अब ठंड अपना असर दिखाने लगी है। पिछले 2-3 दिनों से पारा गिरने की वजह से ठंड का असर भी बढ़ा है। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ रहने के विदर्भ भर में अच्छी ठंड पड़ने की संभावना व्यक्त की है। अच्छी ठंड से किसानों की फसल को भी लाभ मिलेगा, लेकिन इससे स्वास्थ्य पर भी असर हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान में 1.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 8.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जो धीरे धीरे बढ़ती हुई सर्दी का संकेत दे रहा है। मध्य भारत में बने प्रति चक्रवात के कारण पारा तेजी से नीचे की ओर जा रहा है। फिलहाल यह क्रम लगातार जारी रहने की संभावना व्यक्त की गई है। हालांकि अच्छी ठंड फसलों के लिए लाभदायक है, लेकिन इससे स्वास्थ्य पर विपरीत परिणाम हो सकता है। इन दिनों सर्दी खांसी और जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना के इस काल में मामूली बीमारी को लेकर भी लापरवाही बरतना उचित नहीं है। ठंड के लौटने के साथ ही शहर के कॉटन मार्केट, इतवारी के साथ दूसरे बाजारों में गर्म कपड़ों के बाजार सज गए हैं। लोगों ने पहनने के लिए गर्म कपड़ों के साथ ओढ़ने के लिए भी खरीदारी शुरू कर दी है। हालांकि अब बाजारों में शाम के समय भीड़ धीरे धीरे कम हो रही है। शहर में दूसरे राज्यों से आए लोग भी गर्म कपड़ों की दुकानें लगाते हैं। हालांकि इस बार गर्म कपड़ों में 10-15% की महंगाई देखी जा रही है, फिर भी लोग अच्छी क्वालिटी के कपड़ों के लिए ज्यादा कीमत देने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। चंद्रपुर जिले में वन्य प्राणियों के हमले की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जी हां, पोंभुर्ना तहसील में बाघ की दहशत बनी हुई है। पिछले सप्ताह भर में बाघ ने तहसील में कहर ढाया है। 24 नवंबर से अब तक बाघ के हमले में 1 महिला की मृत्यु, 1 युवक जख्मी, 2 बकरियों का शिकार हुआ है। इसी बीच सोमवार को बाघ ने खेत में कपास चुनने व खेती कार्य करने गए किसान पर हमला कर दिया, जिसमें किसान जख्मी हो गया। तहसील में बाघ के हमले की सप्ताह भर में यह चौथी घटना है। चंद्रपुर जिले के कोठारी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत खरमत निवासी किसान केशव भिवाजी रामटे के खेत में कपास चुनने गए थे। इसी बीच दोपहर करीब 3 बजे खेत में छिपे बाघ ने केशव पर हमला कर दिया, जिसमें केशव जख्मी हो गया।
हमले के बाद केशव ने शोर मचाने पर बाजू के खेत में कार्य कर रहे उसके पुत्र व खेतिहर मजदूर बचाव के लिए घटनास्थल की ओर से दौड़े। उन्होंने बाघ को खदेड़ दिया जिससे केशव की जान बच गई। जख्मी केशव को पोंभुर्णा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। इसके पहले भी 24 नवंबर को तहसील में कोविड बोड़ी में खेत में बाघ ने हमला किया था जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। 25 नवंबर को चिंतामणि महाविद्यालय के पास सड़क पर दोस्त की राह देख रहे राहुल चौहान पर बाघ ने हमला कर दिया था जिसमें वह गंभीर जख्मी हो गया था। 26 नवंबर को बकरियों के एक झुंड पर बाघ ने हमला कर दो बकरियों को निवाला बनाया था। तहसील में लगातार हो रहे बाघ के हमलों के कारण लोगों में दहशत का माहौल है। उन्होंने वन विभाग से बाघ का बंदोबस्त करने की मांग की है। पूर्व नागपुर के विधायक कृष्णा खोपड़े ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लिखे एक पत्र में मांग की है कि नागपुर को रेलवे जोन घोषित किया जाए क्योंकि यह राज्य की उपराजधानी है और यहां सभी तरह की सुविधाएं भी है। गडकरी ने खोपड़े के इस पत्र को तुरंत रेल मंत्री अश्विनी कुमार को फॉरवर्ड कर दिया है। गडकरी ने कहा है कि वह इस मांग पर जरूर अमल करेंगे। महाराष्ट्र राज्य की उपराजधानी नागपुर में मिहान, महामेट्रो, दीक्षा भूमि, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कार्गो हब, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बोर्ड, रिजर्व बैंक, विधान भवन, राष्ट्रपति राज्यपाल भवन, मुख्यमंत्री निवास, देश का प्रमुख रेलवे स्टेशन, उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय, देश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज, एशिया का सबसे बड़ा एपीएमसी मार्केट, इंटरनेशनल सिम्बोसिस, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, एम्स, लॉ कॉलेज, सीताबर्डी तथा इतवारी, अजनी रेलवे स्टेशन है। उसी प्रकार देश के सभी प्रमुख स्थानों पर यहां से रेल जाती है। सुरक्षा के मामले में भी नागपुर शहर सबसे आगे है। महाराष्ट्र को बिजली की आपूर्ति करने वाले प्रमुख बिजली स्टेशन कोराडी और खापरकेड़ा में है और वेकोली का मुख्यालय भी इसी शहर में है। भले ही नागपुर 30 लाख से अधिक की आबादी वाला एक सुसज्ज शहर है फिर भी रेल विभाग के छोटे कार्यों और रेलवे के विकास, रेलवे की परीक्षा के लिए अनुमति के लिए बिलासपुर रेलवे जोन जाना पड़ता है। यह कई अधिकारियों के लिए और शहर के विकास के लिए मुश्किलें पैदा करता है। देश में 18 रेलवे जोन है और ऐसी सुविधाएं कहीं भी उपलब्ध नहीं है। महाराष्ट्र में मुंबई में एक रेलवे जोन है। चूंकि नागपुर देश का मध्य स्थान है और सभी सुविधाएं उपलब्ध है इसलिए राजधानी को रेलवे जोन घोषित करने से विदर्भ और अन्य क्षेत्रों में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सरकार में विलीनीकरण की मांग को लेकर एसटी कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। महीना भर होने के बाद और सरकार द्वारा वेतन वृद्धि का प्रस्ताव देने के बाद भी कर्मचारी अपने मांगों पर अड़े हुए हैं। इससे एक ओर जहां यात्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है वहीं दूसरी ओर एसटी महामंडल को भी करोड़ों का घाटा सहन करना पड़ा है। अब सरकार ने कार्रवाई को तीव्र करते हुए निलंबित किए गए कर्मचारियों को हटाने की योजना बनाई है। सोमवार को नागपुर मंडल के अंतर्गत संचालित 8 डिपो सहित और 25 कर्मचारियों को निलंबित किया गया। इस तरह अब तक कुल 380 कर्मचारियों पर निलंबन की कार्रवाई की जा चुकी है। इस दौरान कई अस्थायी कर्मचारियों को सेवा से भी हटा दिया गया है। कर्मचारी सरकार के वेतन वृद्धि के प्रस्ताव को भी मान्य नहीं कर रहे हैं, सीधे विलीनीकरण की मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच हर दिन यात्री बस स्टैंड आते हैं लेकिन निराश होकर लौटते हैं। अब भी प्राइवेट बसों और टैक्सियों के भरोसे ही यात्रियों को रहना पड़ रहा है। हालांकि कुछ कर्मचारी काम पर लौटना चाहते हैं और वो वेतन वृद्धि को समाधान कारक भी मान रहे हैं लेकिन संगठन की एकता के आगे वे भी साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। राज्य के कुछ हिस्सों में बसें शुरू होने के बाद उनमें तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अब सरकार अब निलंबित कर्मियों को बर्खास्त करने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में एक दो दिनों में कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। इन कर्मियों को नोटिस जारी किया गया है। राज्य भर के स्कूलों में 1 दिसंबर से प्राइमरी कक्षा शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने के बाद अब कोविड नियमों का सख्ती से पालन करते हुए बुधवार से 19 महीने बाद प्राइमरी कक्षाओं के कमरे खुल जाएंगे। जी हाँ, स्कूल खोलने से पालकों शिक्षकों के साथ छात्र भी खुश है। वही कुछ पालक अब भी कोरोना के नए वेरियंट को लेकर संभ्रम की स्थिति में है। मार्च 2020 से प्राइमरी स्कूल बंद है। अब जब कोरोना का प्रकोप कम हो गया है तो सरकार ने प्राइमरी स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। हालांकि अब तक ग्रामीण भागों में 5वीं से 12वीं और शहरी भागों में 8वीं से 12वीं तक स्कूल शुरू है लेकिन अब प्राइमरी क्लासेस शुरू होने से एक बार फिर रौनक लौट आएगी। सरकार ने क्लासरूम में छात्रों के बीच दूरी तय की है, वही मास्क और सैनिटाइजेशन को भी अनिवार्य किया है। पहली कक्षा से शुरू होने के बाद अब सही मायने में पढ़ाई की शुरुआत होगी। शहरी और ग्रामीण भागों में छात्र ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे लेकिन यह असरकारक नहीं रही है। ग्रामीण भागों में कई छात्र पढ़ाई से दूर हो गए थे, उन छात्रों के लिए स्कूल खोलने का निर्णय फायदेमंद रहेगा। शिक्षकों का कहना है कि शुरुआत के कुछ दिनों छात्रों की उपस्थिति कम रहेगी लेकिन धीरे धीरे उपस्थिति बढ़ेगी।
स्कूल खुलने से शिक्षक भी खुश है, वहीं दूसरी ओर कुछ पालक कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर संभ्रम की स्थिति में हैं। सरकार ने कोविड गाइडलाइंस के तहत बच्चों के स्कूल आने के लिए उनके पालकों से सहमति पत्र को अनिवार्य किया है। सुबह के प्राइम टाइम में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार है जारी।